नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज मैं शिवड़ी को माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में DRDO में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। वो किस चीज़ की है? DRDO RAC साइंटिस्ट बी रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि DRDO साइंटिस्ट बी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, RAC DRDO साइंटिस्ट बी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, DRDO RAC साइंटिस्ट बी का सिलेबस क्या होगा, DRDO साइंटिस्ट बी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको RAC DRDO साइंटिस्ट बी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? RAC DRDO साइंटिस्ट बी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने साइंटिस्ट बी के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार DRDO ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के 630 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से DRDO में DRDO RAC साइंटिस्ट भी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम RAC DRDO साइंटिस्ट भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो DRDO वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो DRDO में साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, 579 पोस्ट है। DADA में साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, 43 पोस्ट है। DST में साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, वो 8 पोस्ट है। टोटल अगर बात की तो आपसे 630 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो साइंटिस्ट बी DRDO की अगर बात करें तो उम्मीदवार को या तो BTech या फिर MSc इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद गेट स्कोर, यानी आपकी गेट स्कोर के साथ MSc वो संबंधित विषय में होनी चाहिए, और या फिर अगर आपने BTech कर रखी है तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा साइंटिस्ट बी ADA में भी आपकी सेम रहेगी, BTech होना चाहिए या फिर MSc होना चाहिए, और साथ में आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। साइंटिस्ट बी DST की अगर बात करें तो ये भी इसमें भी आपकी सेम रहेगी, यानी BTech या फिर MSc होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से, और आपके पास गेट स्कोर होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एज लिमिट वो क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो साइंटिस्ट बी DRDO के लिए 250 वर्ष हो सकती है आपकी मैक्सिमम एज, और मैक्सिमम एज की अगर बात करें साइंटिस्ट बी ADA में तो 30 वर्ष हो सकती है, और साइंटिस्ट बी की अगर बात करें DST की तो इसमें आपकी 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो DRDA RAC साइंटिस्ट बी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी टाइम आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। अगर बात करें RAC DRDA ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आपके 21 दिन तक, यानी जो आपका और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके 21 दिन तक आप क्या अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें DRDO RAC साइंटिस्ट भी एग्जाम डेट के बारे में तो एग्जाम डेट आपकी 16 अक्टूबर 2022 को आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और PWD फीमेल और ESM कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनकी फीस का भुगतान है वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं DRDO RAC साइंटिस्ट भी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इन पदों के लिए उम्मीदवारों को चयन लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका रिटर्न एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा।
डीआरडीओ लिखित परीक्षा में कुल 80% अंक और पर्सनल इंटरव्यू में आपके 20% अंकों की क्या इसमें गणना की जाएगी। लिखित परीक्षा में 300-300 अंकों के दो पेपर होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिटर्न एग्जाम में आपका 300-300 अंकों के दो पेपर होंगे, रिटर्न एग्जाम का आपका वेटेज होगा वो 80% रहेगा और जो इंटरव्यू का वेटेज है वो आपका 20% रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। चलिए बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो RACDRDO साइंटिस्ट भी एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर अपन बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 300 नंबर का होगा। दूसरा पेपर भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 300 नंबर का होगा। टोटल आपका 6 घंटे का पेपर होगा, 600 नंबर का होगा। पेपर आपके दोनों है वो अलग अलग टाइम पर क्या है आयोजित किए जाएंगे, एक दिन आयोजित नहीं किए जाएंगे। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा में 300-300 अंकों के दो पेपर होंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो कि RAC वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि UPSC द्वारा आयोजित प्रासंगिक विषय में इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा जो मेंस होती है उसके समान ही आपका क्या है ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस रहने वाला है, दोनों चीजें सेम रहेगी। परीक्षा एक पेपर आधारित प्रारूप में प्रशासित की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक परीक्षा की अवधि वो 3 घंटे की रहेगी। लिखित परीक्षा वो 7 शहरों में होगी, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता और पुणे। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो जो DRDA की जो सामान्य केंद्र है वहां पे भी क्या आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो उम्मीदवार सूचीबद्ध केंद्रों में से ऑनलाइन आवेदन में परीक्षा केंद्र की अपनी पहली और दूसरी वैधता को इंगित कर सकते हैं, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार फर्स्ट आपका जो एग्जाम सेंटर है वो सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इस तरह से आपके चॉइस अपनी फिल कर सकते हो इसमें। चलिए बात कर लेते हैं DRDO साइंटिस्ट बी का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, फील्ड मशीन्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस, केमिकल टेक्नोलॉजी, हीट ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन, मास ट्रांसफर और केमिकल टेक्नोलॉजी संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियर सिलेबस क्या रहेगा तो इसमें आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशंस, थर्मोडायनामिक, इंजीनियरिंग मटेरियल, फर्ड मशीन, फॉर्मिंग, हीट ट्रांसफर, मेटल कास्टिंग एप्लीकेशन, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन रिसर्च और इन्वेंट्री कंट्रोल जॉइनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अगर बात करें तो इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें आएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम मशीन्स, सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम और पावर ड्राइव एंड इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा डिजिटल लॉजिक, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटाबेस, कंपाइलर डिजाइन और बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सर यह बात कर लेते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी RAC DRDO साइंटिस्ट बी की आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी क्या रहेगी आपकी, इसमें आपका पे लेवल है वो 10 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार आपकी सैलरी 56,100 रुपये के हिसाब से आपको सैलरी शुरू होगी और इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी वो 88,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। तो आपका जो इसमें वेतन लगेगा वो 7 CPC लगने वाला है और पे लेवल आपका 10 लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में DRDO ने साइंटिस्ट बी की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। ये DRDO की लेटेस्ट वैकेंसी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। साथ में हमने डिस्कस किया कि RAC DRDO साइंटिस्ट बी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, DRDO RAC साइंटिस्ट बी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, DRDO साइंटिस्ट बी की सैलरी क्या रहेगी, DRDO साइंटिस्ट बी का सिलेबस क्या रहेगा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको DRDO साइंटिस्ट बी भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूर थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन देकर उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या
वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।